हेलो लवलीज, आज मैंने जो पार्सल मंगवाया है अमेज़ॉन से, ये अगेन एक होम डेकोर का प्रोडक्ट होने वाला है। एंड दिवाली पर बहुत सारे लोग इसको डेकोर करते हैं अपने घरों को सजाने के लिए। मेरे पास नहीं था तो मैंने सोचा इस बार मैं भी ट्राई कर लेती हूँ कि कैसा आता है इसका डेकोर का लुक। वीडियोज़ में और जो बाकी जगहों पर मैंने देखा है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये रंगोली के आसपास सजाया हुआ। पिक में आप देख लीजिए कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज़ अनबॉक्सिंग कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। और जो है रंगोली के पास में या आपके टेबल पर ये या किसी एक कॉर्नर में आपके सजाया हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बिल्कुल प्रॉपर फेस्टिव वाइब्स देता है। तो चलिए हम भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हमें रिसीव हुआ है, कैसा सा है ये, क्वालिटी वगैरह कैसी है। देखिए कुछ इस तरीके से ये मुझे बॉक्स में रिसीव हुआ है। एंड इसको ओके, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरीके के और वीडियोस अगर देखने हैं तो मेरे चैनल पर जाकर के होम डेकोर प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर से करिएगा। सो दिस इज़ द उर्ली, कुछ इस तरीके से ये रिसीव हुई है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल एकदम लोटस फ्लावर की शेप की है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ये देखिए इसके अंदर पानी डाल करके जब आप फ्लावर्स रखते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगने वाली है। रंगोली के आसपास भी बहुत अच्छी लगेगी, या फिर आप अगर अपने किसी कॉर्नर में रख रहे हैं या फिर टेबल पर रख रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है, स्टर्डी है। द ओनली प्रॉब्लम इस की जो इसका जो पॉइंट्स है ना, ये डिज़ाइन तो बहुत खूबसूरत है बट ये पॉइंट्स हाथ में चुभ रहे हैं। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बच्चों से दूर रखना पड़ेगा, वरना ये चुभ करके ऐसे आराम से ये हर्ट कर सकता है, खून निकाल देगा। ये काफ़ी तेज पॉइंट्स हैं इसके, तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बच्चे से दूर रखना पड़ेगा मेरे को भी। तो मैं इसको ऐसी जगह पर कहीं रखूँगी जहाँ पर बच्चे का हाथ ना पहुँचे। मैं इसे रंगोली के साथ तो नहीं सजा सकती क्योंकि रंगोली बनानी होगी एंट्रेंस पर, और एंट्रेंस पर कोई भी अगर इसको टच कर देगा गलती से तो ये लग जाएगी इससे चोट। बाय द वे ये है बेहद खूबसूरत, अगर ये वाली थोड़ी सी इशू ना हो इसमें तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस चीज़ को आप कंसीडर करिएगा अगर आपको भी कुछ ऐसे सा परचेज़ करना है तो, और बिल्कुल से इसे देखिएगा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसमें पानी के साथ में फ्लावर्स नहीं भी डालने हैं तो भी आप इसको सिर्फ ड्राई पेटल्स के साथ में सजा सकते हैं, या फिर आप इसको खाली फूलों से भी सजा सकते हैं। इसका साइज़ कुछ इतना सा है, ये देख लीजिए इसका साइज़ कुछ इतना सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओके ओके साइज़ है, बिल्कुल जैसे हमारे छोटे घरों में सजाने के लिए होता है बिल्कुल वैसे ही है। क्योंकि आजकल भाई बहुत बड़े बड़े घर बंगले तो होते नहीं हैं, छोटे घरों में ही हमें अच्छे से सजाना होता है सब चीज़ें, वहाँ पर हमारे ज़रूरत के सामान भी होती हैं, चलने फिरने की जगह भी छोड़नी होती है, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, थम्स अप प्रोडक्ट है, डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको परचेज़ करना है तो। कैसा लगा आपको ये मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपको परचेज़ करना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे वीडियो पे क्योंकि बैक टू बैक मेरे चैनल पर दिवाली डेकोर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक आपने तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मल्टीपल वेज में मैं इसे कैसे यूज़ करने वाली हूँ इसके लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, डेफिनेटली आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में शॉर्ट्स में देखने के लिए मिलेगा। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।